डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली, वी डोंट प्रोवाइड एनी टिप। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वाइडर नेरो इस दोनों को प्रैक्टिस करना है। वाइडर कौन सा दिन है, नेरो कौन सा दिन है, किस दिन बड़ा मुंह आएगा, किस दिन छोटा मुंह आएगा। वाइडर में क्या होता है, एक ही कैंडल बड़ा बनता है, उसके बाद जस्ट आदमी जितने लोग हैं सबके दिमाग में ये बढ़ता है, अरे इतना बेरिश स्ट्रांग बेरिश बना है, अब तो नीचे ही जाएगा। जैसे ही सारे लोग वहाँ पे एंट्री करता है वो प्राइस रिवर्स हो जाता है। जैसे ही एकदम स्ट्रांग ग्रीन कैंडल बनेगा सारे लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, सारे लोग पॉजिटिव होते हैं उसके बाद एक डोजी बनेगा, उसके बाद धड़ाम से नीचे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे स्ट्रांग ग्रीन कैंडल बना, लोगों ने बाई करना चालू किया, प्राइस नीचे गिरा दिया। यहाँ पे पुट में स्ट्रांग कैंडल बना, नेगेटिव कैंडल, लोगों ने नेगेटिव डायरेक्शन में पोजीशन लिया या फिर पुट को होल्ड किया, वो सारे फंस गए इसमें। तो वाइडर में आपको समझना है। तो स्टॉप लॉस के लिए आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे अभी लाइव सेशन में, तो आपको धीरे समझ में आ जाएगा स्टॉप लॉस कैसे करना है या माइंड पे किस तरीके से स्टॉप लॉस को हमको आइडेंटिफाई करके एग्जिट या एंट्री करना है। ठीक है कल्पेश जी, ओके सर, समझ गया। कल लाइव में रहेंगे तो कल पूछ लीजिए, लाइव में हम लोग डिसीजन लेंगे ना, लाइव में हमारा ट्रेड रहेगा तो कोई इशू नहीं है। मयंक राय जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं सर? यस सर। सर अभी तो चलिए मार्केट बेयरिश चल रहा है, पर जब डेली बेसिस पे वीकली बेसिस पे मार्केट बुलिश चलता है और उस केस में जो वीवैक होता है वो 20 ईएमए के ऊपर होता है, राइट? तो उस जब हम इंट्राडे में वीवैक ऊपर होगा ना डेली बेसिस में और वीकली बेसिस में, जब मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। हाँ। अब इंट्राडे के सेटअप पे हम आते हैं, उस केस में भी वीवैक जो होता है वो ईएमए के ऊपर होता है, बट जब ईएमए वीवैक के ऊपर निकल जाता है तो डबल कॉन्फर्मेशन आ जाती है ऊपर प्राइस ऊपर। जी जी जी। तो आज सर जब मार्केट में पूरा टाइम ऑलमोस्ट लाइक अगर 2:30 बजे के आसपास देखेंगे तो वीवैक कम्स डाउन ईएमए के नीचे आ गया है, तो यानी कि उसने बेरिश की कंफर्मेशन और दे दी है, क्योंकि अल्टीमेटली डेली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे नेगेटिव है, तो ये यहां से सिग्नल और बढ़ गया नेगेटिविटी का। जी जी जी, यस यस यस, इसीलिए तो मैंने गजय सर को बोला था ना कि आप बैट तैयार रखिए, कल फ्री हिट मिलेगा। मुझे एक्चुअली वही आपकी बात ध्यान आया, तो मैं जी जी पुराना जो सेशन में हमारे रिकॉल कर रहा था। जी जी, जैसे वहां पर डबल कॉन्फर्मेशन आया ऐसे यहां भी कॉन्फर्मेशन आ गया इंट्राडे में। जी जी, फर्दर इट इज गोइंग डाउन। जी सर, मैं पूछ रहा था जो प्रीमियम जो हमारा बढ़ता है, उसका सुबह में जैसे पहले ही पंच कर देंगे उसके बाद प्रीमियम बढ़ जाता है उसका, वो थोड़ा सा महसूस क्या होता है कि जैसे हम लोग इन द मनी करते हैं तो हमको तो उतना प्रीमियम का लफड़ा है नहीं, हम इन द मनी करते हैं। हमारे में क्या होगा कि डेल्टा नाम का एक चीज होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे, वैसे तो वो सब कचरा में पड़ने का नहीं है डेल्टा वेल्टा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे एट द मनी जैसे 24,450 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 0.47 डेल्टा है ना, कॉल का डेल्टा 0.47 है और पुट का डेल्टा 0.53 है। ये बता रहा है कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट गिरेगा तो पुट का प्रीमियम, एट द मनी का जो पुट का प्रीमियम है वो 53 पॉइंट बढ़ेगा। सर 53 पॉइंट बढ़ जाएगा? हाँ, 0.53 है, मतलब अगर निफ्टी 100 पॉइंट गिरता है तो पुट का प्रीमियम 53 पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। और इधर पे कॉल में 0.47 दिखा रहा है, तो निफ्टी अगर 100 पॉइंट बढ़ेगा तो कॉल का प्राइस जो है, एट द मनी का कॉल का प्राइस 47 पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। तो उससे अंदाजा लगा देते हैं। मैं इन द मनी करने क्यों बोलता हूं, इन द मनी जैसे मान लो 24,200, इसका डेल्टा कितना है 0.87, तो निफ्टी अगर 100 पॉइंट बढ़ेगा तो मेरा 87 पॉइंट बढ़ेगा, तो मेरे लिए टारगेट अचीव करना इजी हो गया है ना। अब ये 100 पॉइंट बढ़ने पे 87 पॉइंट बढ़ेगा और अगर एट द मनी लिए हो तो वो 47 पॉइंट बढ़ेगा, तो आप 47 पॉइंट बढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे कि 87 में, है ना? 87. तो 87 में हमारा टारगेट इजीली अचीवेबल है। अब जैसे यहाँ पे एट द मनी का पुट में 0.53 है डेल्टा, मतलब निफ्टी अगर 100 पॉइंट गिरेगा तो ये 53 पॉइंट पुट का प्राइस बढ़ेगा एट द मनी का,
लेकिन अगर हम इन द मनी कर देते हैं 600 का कर देते हैं, तो अगर निफ्टी 100 पॉइंट गिरेगा तो ये 81 पॉइंट बढ़ जाएगा पुट, है ना। इसीलिए इन द मनी बोलता हूं मैं कि इन द मनी ही करना है हमको, ठीक है। तो वही है, कल भी हम इन द मनी में ही जाएंगे, क्योंकि हमको पता है अगर हमारे विपरीत चला गया तो हमको पता है पोजीशन को कैसे अपने फेवर में लाना है। जी सर, ठीक है। हाँ संजय जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर मैं ये पूछ रहा था, हाँ जैसे आप प्रीमियम डिफरेंस देखते सर जी, तो उसमें फिर आप बोलते कि मतलब पुट का प्रीमियम कम है फिर एकदम से बढ़ गया, तो सर प्रीमियम का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आता। ठीक है सर, वो किसी दिन जब सैटरडे संडे को जब हम लोग लंबा सेशन करते हैं ना, उस दिन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। उस दिन के लिए आप नोट करके रख लीजिए, उस दिन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसको डिटेल में। ठीक है सर। ठीक है जी, दर्शन सर काइंडली आस्क योर क्वेश्चन। हाँ सर, जो आपने अभी बताया उसी से रिलेटेड है कि एक्सपायरी के दिन भी हम लोग जैसे इन द मनी का कॉल या पुट लेते हैं 100-200 पॉइंट्स, नहीं उस दिन 200 पॉइंट नहीं लेना है, उस दिन 100 पॉइंट ही लेना है। सही, 100 पॉइंट 200 पॉइंट एक्सपायरी के दिन नहीं लिया जाता, क्योंकि अगर मान लो एकदम से शॉर्ट कवरिंग या एकदम से फास्ट स्पाइक आएगा तो आपका 200 पॉइंट वाला नुकसान हो सकता है ना, उससे अच्छा है 100 पॉइंट वाला। ओके, है ना, 100 रुपीज़ से 150 रुपीज़ के बीच वाला ही कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन रखेंगे जिस दिन एक्सपायरी है, लेकिन चार्ट देखेंगे तो कम से कम 100 पॉइंट इन द मनी होना चाहिए। Okay. जैसे हम लोग चार्ट लगाते हैं ना यहाँ पे कॉल और पुट का चार्ट, तो वो 100 पॉइंट इन द मनी रहेगा, है ना। जैसे ये पुट है, पुट बढ़ेगा करके सिग्नल दे रहा था ना शुरू से, सारा ईएमए का लाइन वीवैप के ऊपर है तो ऊपर ही जा रहा था, तो ये है। और डेज हाई पे बंद हुआ है, मतलब संभावना ये है कि इसी के बढ़ने की संभावना ज़्यादा है ना। कॉल नीचे गिर के बंद हुआ है तो इसके गिरने की संभावना ज़्यादा है, यहाँ पे भी देखेंगे तो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू जी। गुफरान भाई आप कुछ पूछना चाह रहे हो? सर मैं ये पूछना चाह रहा था जी कि जैसे कि आपने बताया कि कल अगर रेड कैंडल बनेगी, हाँ, तो मैं पुट साइड में एग्रेसिव पोजीशन बनाऊंगा अपनी, हाँ, तो आप इसमें एक मिनट वाली कैंडल को फॉलो करेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं एक मिनट में तब फॉलो करता हूँ ना, बीच में एक बार देख लिए वीवैप के ऊपर में सारा ईएमए का लाइन कॉल में है कि पुट में है, वो एक अंदाजा लगाने के लिए। बाकी मैं जो फॉलो करता हूँ वो इसी को फॉलो करता हूँ, ओके, है ना। वो क्या है, वन मिनट में शुरू में फॉलो करने जाओगे ना तो वन मिनट होता क्या है, कुछ भी नहीं होता ना, सेटल ही नहीं हो पाएगा। तो ये फॉलो करिए, अगर आपको कहीं पे बीच में कन्फ्यूजन हो रहा है तो फिर इधर चले जाइए। ओके सर, जब आप कल पंच करें तो एक बार, नहीं मैं तो लाइव में रहूंगा ना, कोशिश करूंगा कल डेफिनेटली लाइव में रहूंगा, तो मेरा ऑर्डर पंच होगा तो मैं एक क्लू तो दे ही दूंगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो जिसका नॉर्मल, देखिए अगर मुझे फॉलो करके कोई ट्रेड करेगा तो उसके लिए उसकी जिम्मेदारी ये है कि नॉर्मल क्वांटिटी 250 बोलता हूँ तो 125 ही करेंगे, क्योंकि वो मेरे बोलने पे कर रहे हैं और मेरा स्पीड बहुत फास्ट है, वो आप लोग जानते हो, क्योंकि जब तक दूसरा आदमी डिसीजन लेता है मेरा हो चुका होता है, है ना। तो वो सर आपके फुटस्टेप्स को फॉलो करना है, हाँ वो लगाते हैं ना तो फंस जाते हैं। नहीं, डिसीजन फास्ट लेना पड़ेगा, वो थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा, है ना। मेरा तो आप स्पीड देखे हो कि जब तक दूसरा सोचना चालू करता है तब तक मेरा एग्जिट प्लान रेडी हो जाता है। इस मामले में मैं थोड़ा सा खुशकिस्मत हूँ कि मेरा स्पीड बहुत फास्ट है ट्रेडिंग में, और वो एक्सपीरियंस का भी है असर, प्रैक्टिस का भी असर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर कम्प्लीट लर्निंग यू कैन ज्वाइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।